नमस्ते बच्चों, आज क्लास 4 के बच्चों के लिए मैं लेकर आई हूँ हिंदी रीडर से पार्ट 7, सातवां पार्ट, जिसका नाम है धरती बाबा। तो आप लोग इस पार्ट को खूब मन से, खूब अच्छे से सुनिए और इसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें बताई जाती है उसे अपने जीवन में शामिल कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो महान हस्तियों के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं उनके जीवन से, उनके जीवनचर्या से कुछ सीख लेने की, कुछ शिक्षा लेने की। इस पाठ का नाम है बच्चों धरती बाबा। धरती बाबा क्यों कहा गया है ये हम आगे की पाठ में जानेंगे। इस पाठ में आपको बताया क्या जा रहा है ये हम आपको छोटी सी बातें बता दें कि हमारा देश जो आपको पता है कि अंग्रेज़ों की गुलामी से, अंग्रेज़ों के आतंक से गुलाम था, तो इससे जब मुक्त हुआ, इस गुलामी से जब आज़ाद हुआ, इसके लिए आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के बहुत महान सपूतों ने अपने बलिदान दिए हैं। इनमें महात्मा गांधी हो, खुदीराम बोस हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो या बिरसा मुंडा हो, बहुत सारे लोग। तो उन्हीं के विषय में हम आज बात करेंगे कि हमारा देश जब गुलाम था वो आज़ाद हुआ, कितने ही लोगों ने यातनाएँ सही, यातना मतलब कष्ट, तो और तब जाके हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ। तो आइए देखते हैं इस पाठ में क्या है। लेखक कहते हैं आज हमारा देश स्वाधीन है। बच्चों आपको बता दें स्वाधीन का मतलब होता है आज़ाद, आप सभी जानते हैं ना, हम सब आज़ाद हैं। तो हम सभी आज़ाद हैं, आज हमारा देश जो है वो किसी का गुलाम नहीं है। अपने मन से हम हर काम कर सकते हैं अपने देश में, अपने मन से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं हमारी जहां मर्जी है, अपने मन से हम नौकरी पा सकते हैं यदि हमें काबिलियत है तो, अपने मन से हम कहीं आ जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसे काम हैं जो हमारी जो भी मर्जी है वो हमसे हो जा रहा है क्योंकि हमारा देश किसी का गुलाम नहीं है, हम सभी आज़ाद हैं, आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। तो आज हमारा देश जो स्वाधीन है, इस स्वाधीनता के लिए यानी इस आज़ादी के लिए कितने ही लोगों ने न जाने कितने कष्ट सहे हैं। आप सबको पता है यह बात कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ बहुत सारे लोगों को बहुत बार जेल भी जाना पड़ा, बहुत तरह की यातनाएं उन्हें भोगनी पड़ी थी, कुछ फांसी के फंदे पर लटके थे, ऐसे ही नहीं छोड़ा था अंग्रेज हमारे देश को। आपको पता है ना, बताए थे हम ना कि यहाँ पर व्यापार करने के बहाने से अंग्रेज़ आया हमारे देश में और यहाँ आके इतनी हद तक अपनी जड़ें जमा लिया, वो पैर फैला कर बैठ गया कि सारे लोगों को गुलाम ही बना लिया। तो इसके लिए बहुत सारे हमारे देशवासी जब आवाज़ उठाई उन्होंने तो बहुत लोगों को फांसी के फंदे पर भी उन्होंने, अंग्रेज़ों ने लटका दिया और कुछ को जेल की यातनाएं सहनी पड़ी। हमने बताया कि यातना का मतलब होता है कष्ट, तो बहुत सारे लोगों को कष्ट भी सहनी पड़ी थी, बहुत अधिक कष्ट सहनी पड़ी थी। कुछ लोगों को तो काला पानी की सज़ा हुई थी और उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया था। आपके मन में एक बात अभी यहाँ पर आने वाली है, मुझे पता है कि यह काला पानी क्या होता है। तो जेल है, आपको पता है जेल यानी कि कारागार, जहाँ पे बंद कर देता है व्यक्ति को ले जा करके। तो अंग्रेज़ हमारे देशवासियों को बंद कर देता था जेल में जाके। तो काला पानी मतलब हमारे देश के सीमा से हजारों किलोमीटर दूर, बहुत दूर, वहाँ पे एक जेल था जहाँ पे बंद कर देता था, तो उसे कहते हैं काला पानी की सज़ा, यानी बहुत दूर ऐसे निर्जन जगह में जो किसी को पता ना हो कि वो कहाँ है, और ऐसे जेल में जब बंद कर देता था उसे कहते थे काला पानी की सज़ा, वो मांडले जेल भेज देता था। हमारी आज़ादी की लड़ाई बहुत लंबी चली, आप सब जानते हैं, बहुत वर्षों तक हमारे देश में यह लड़ाई चलती रही। पहले छोटे स्तर से शुरू हुआ, फिर धीरे 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 जाके पूरे देश में एक आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया और फिर हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी की इस लड़ाई में भाग लेने वाले लोगों में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार भगत सिंह आदि के नाम सभी जानते हैं। बहुत से ऐसे देशभक्त भी हुए हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए प्राण भी न्यौछावर कर दिए हैं। आपको पता है ना कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बहुत सारे लोग, खुदीराम बोस, बहुत सारे लोगों की जान गई थी इस आज़ादी की लड़ाई के कारण, आज़ादी के युद्ध के कारण।
ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा। अब हम लोग आज यहाँ पर इस कहानी में बात, इस पाठ में हम लोग बात किनका करेंगे, बिरसा मुंडा का। आप यहाँ पर फोटो देख रहे होंगे, तो बिरसा मुंडा का हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आपके साथ। बिरसा मुंडा पहले बताते हैं कि वो हैं कौन, वो थे कौन। बिरसा मुंडा ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में हम आपको बताएं। स्वतंत्रता सेनानी उस समय जो स्वतंत्रता के आंदोलन में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। मुंडा आदिवासी की एक प्रकार की जाति है। अब बिरसा मुंडा क्यों नाम था, तो जाति वर्ग हमारे देश में जाति विभेद मतलब बांटा गया हुआ है, तो हर वर्ग में हर जाति में, तो आदिवासियों का एक जाति होता है मुंडा। जैसे टाइटल होता है ना, किसी का झा होता है, मिश्रा होता है, या फिर क्या सब होता है, जिलानी होता है, क्या सब बहुत सारा होता है, तो आदिवासियों का एक जाति है जिसका नाम है मुंडा। इस जाति के लोग झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा के जंगलों में बसे हुए होते हैं। जब आदिवासी हैं, आपको पता है कि वो जंगल में होते हैं, तो कहाँ कहाँ ये मिलते हैं, ज़्यादातर झारखंड में, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के जंगलों में बसे हुए हैं। ये लोग प्राय छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं और इनके घर मिट्टी तथा बांस के बने होते हैं। ये बहुत सरल और मेहनती इंसान होते हैं। तो ये जो आदिवासी होते हैं, ये आदिवासी जंगलों में बास करते हैं, लेकिन इन्होंने मिल करके, बहुत सारे लोग मिल करके अब क्या किए, छोटे छोटे गांव की तरह निर्माण कर लिए हैं और वहाँ ये लोग बसते हैं और अपना छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं। ये लोग बड़े बड़े ही सरल और सीधे स्वभाव के होते हैं और मेहनती भी होते हैं। ऐसे ही एक मुंडा परिवार में, इन आदिवासियों के ही परिवार में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म, ये बता दें आपको, 15 नवंबर 1875 यानी कि 15 नवंबर 1875 को किनका जन्म हुआ था, बिरसा मुंडा का। कहाँ पे, मुंडा परिवार में, यानी कि आदिवासियों के परिवार में, उड़ीसा में, है ना। तो उनका जन्म उलीहातू नामक गांव में हुआ था। उनके गांव का नाम क्या था, उलीहातू, है ना। यह गांव झारखंड, ओ सॉरी, झारखंड राज्य से खूंटी के समीप पड़ता है। यह गांव कहाँ पड़ता है, झारखंड के समीप, खूंटी है वहाँ जगह, उसके समीप पड़ता है। उनके पिता का नाम सुगना और माता का नाम कर्मी था। आप पुस्तक में भी पढ़ोगे कि माता पिता का नाम दिया हुआ है। बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था, सुगना, और माता का नाम कर्मी था। बिरसा का बचपन अन्य साधारण बालकों की भांति बीता था। जैसे बच्चे खेलते हैं इधर उधर, जैसे उनका बचपन बीतता है मौज मस्तियों में, उनका भी जन्म ऐसे, उनका भी बचपन ऐसे ही बीता था। वे माता पिता के काम में हाथ बंटाते थे। कुछ समय बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। उनकी पढ़ाई भी हो रही थी, शिक्षा भी उनकी आरंभ थी, लेकिन कुछ ही समय के बाद उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई, ये हम लोग देखते हैं। धीरे धीरे बालक बिरसा जवान हुए। उन्हें पढ़ने लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और धीरे धीरे जब वो जवान हुए, जवान यानी बचपन के बाद प्रौढ़ावस्था में और जवानी में, तो बड़े जब हुए वो, तो वे बड़े ही बुद्धिमान और तेज तर्रार निकले। यानी कि जब वो बड़े हुए तो लोगों ने देखा कि अरे ये बच्चा तो बहुत ही बुद्धिमान है, जो बड़ा हुआ है अभी, बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही तेज तर्रार है। यानी कि तेज तर्रार किसे कहेंगे, जो हर काम में एकदम निपुण होता है उसे कहते हैं तेज तर्रार, जो हर काम अपनी बहुत जल्दी से कर लेता है, एकदम अच्छे से सोच विचार के करता है, गलत काम कभी नहीं करता है, उसे कहते हैं अच्छे बच्चे, तेज तर्रार लोग, है ना। तो उनका जो डील डॉल सामान्य मुंडाओं के अपेक्षा विशाल था। डील डॉल यानी रहन सहन, उनका जो अपना जो जीवन चलने का जो तरीका था, वो जो आदिवासियों में सामान्य जो मुंडा परिवार के लोग थे उनसे थोड़ा सा क्या था, अलग था। क्यों अलग था भाई, ये हम देखते हैं अभी यहाँ पे। बिरसा जब एक समाज सेवा में रुचि लेने लगे, क्योंकि उनका अलग रहन सहन, अलग डील डॉल क्यों था, वो समाज सेवा में रुचि लेने लगे थे। समाज में, जानते हैं समाज मतलब कि हमारा जो कॉलोनी होता है, हम जहाँ रहते हैं, जहाँ पे हमारा जो कॉलोनी है, जिस शहर में बसा हुआ है, हमारा समाज है ये, हमारे जहाँ पे विद्यालय हैं उसके आसपास, ये हमारा समाज है। तो वहाँ पे किसी को भी किसी तरह की तकलीफ होती थी, किसी तरह की ज़रूरत होती थी,
तो उसे पूरा करने में ये पूरी तरह से मदद करती थी, समाज सेवा। अब कोई समझो कि किसी परिवार में कोई बुजुर्ग है, अभी का हम उदाहरण ले लेते हैं, अभी इस कोरोना काल में तो और जाने आने का दिक्कत है। मान लो कि आपके पड़ोस में कोई बुजुर्ग है या कोई परिवार ऐसा है जिनके बेटे बहू या फिर उनका और पारिवारिक सदस्य बाहर रह रहे हैं, और यहाँ पे वो हैं, उन्हें दवा की आवश्यकता है, उन्हें बाज़ार से कोई आवश्यक वस्तुओं को मंगाने की आवश्यकता है। तो यदि हम सक्षम हैं तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम यदि बाज़ार जा रहे हैं तो उन्हें एक बार पूछ लें और उनका लिस्ट लेके जाएं, उनका सामान लेके आएं। यही होता है समाज सेवा। और किसी तरह की वो कष्ट में हैं, दुख में हैं, उनको कोई आवश्यकता है तो वहाँ पे हम आगे बढ़ के मदद करें, ये होता है समाज सेवा। तो बिरसा मुंडा क्या करते थे, सामाजिक कार्यों में भाग लेते थे। कहीं पे सड़क पे कुछ है, मतलब इस तरह के जो भी सार्वजनिक जो काम होते थे उसमें वो बहुत ही रुचि लेते थे और आगे बढ़ के मदद करते थे। तो वो समाज सेवा में रुचि लेने लगे थे। मुंडा समाज धीरे धीरे उनकी ओर आकर्षित होता गया और समाज में उनका प्रभाव और आदर बढ़ता गया। निश्चित तौर पर आप जब अपने घर में अपनी मम्मी पापा की बात बड़ी ध्यान से सुनते हो, दादा दादी जब आपको जो कुछ भी कहते हैं वो उनकी बात मानते हो, तो आपको प्यार मिलता ही है, स्नेह मिलता ही है। प्यार स्नेह तो परिवार में ऐसे भी मिलता है, लेकिन समाज में, अपने विद्यालय में, हर जगह हम सर उठा के चलें, इसके लिए ज़रूरत है कि हम हमेशा सही रास्ते पर चलें, गलत रास्ता कभी नहीं, सबका आदर करें, सबकी बात को सुनें। तो वे क्या करते थे, अपने समाज के सारे लोगों को दुख में, विपत्ति में या किसी तरह की ज़रूरत में साथ देते थे। इसीलिए उनका जो है समाज में, अपने आस पड़ोस में, अपने बिरसा मुंडा पूरा मुंडा परिवार में, पूरा गाँव में उनका जो है वो बहुत ही इज्जत बढ़ते चला गया, प्रतिष्ठा बढ़ते चला गया, यानी उनसे लोग बहुत प्यार करने लगे। मुंडा समाज उनकी ओर आकर्षित होते गए। आकर्षित होना मैंने खींचते चले आना, वो जो कहते थे सारे लोग मानते थे, क्योंकि वो जानते थे सारे लोग कि ये गलत नहीं कह सकता है, ये अच्छा इंसान है। तो हमें ये कैपेसिटी होनी चाहिए, हमें ये क्षमता होनी चाहिए कि हम दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करें, अपने व्यवहार से, अपने बोली से, अपने विवेक से, अपने वचन से, है ना। तो अब क्या हुआ, मुंडा लोग यहाँ तक मानने लगे कि कोई सिद्धि प्राप्त है और उनके हाथ फेरने भर से बीमार आदमी भी ठीक हो जाता है। इस कारण वे उन्हें धरती बाबा कहकर पुकारने लगे। देखो क्या होता था, जब कोई बीमार होते थे ना, कोई बुजुर्ग या फिर किसी के घर में बच्चे, और सारे लोग घबरा जाते थे, तो ये बिरसा मुंडा जो है वो जाते थे और कहते थे मत घबराइए ना, ठीक हो जाएगा। और जो इनको जानकारी थी, पहले हम लोग प्राथमिक उपचार करते हैं ना, घरेलू उपचार, तो ये सब वो मतलब इस तरह से उस दुख की घड़ी में, उस विपत्ति की घड़ी में क्या करते थे, मदद करते थे उस परिवार वाले की। और जो कष्ट में है, सर दुख रहा है, अच्छा बच्चे बाबू तुम्हारा सर दुख रहा है, ऐसे किए तो लगा कि अरे इनके हाथ देने से बच्चा तो प्यार में भुला गया, फिर धीरे धीरे रिलैक्स हुआ, फिर ठीक हुआ, या फिर बुजुर्ग ही। लेकिन लोगों को लगता था कि इनमें कुछ शक्ति है, इन्हें कुछ सिद्धि प्राप्ति है, और इसीलिए लोग इन्हें क्या कहने लगे, धरती बाबा कहने लगे। अब धरती बाबा जो है बिरसा मुंडा, इनके विषय में आगे कुछ और बता दूं आपको। उन दिनों देश भर में आज़ादी की लहर फैलती जा रही थी, आप सबको पता है। देश के अलग अलग भागों में बसे आदिवासियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू किया था। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ देश के शहरी या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते थे वही, नहीं, जंगलों में निवास करने वाले यानी कि आदिवासी भी थे, जो जितने भी आदिवासियों ने भी सोचा कि हम लोग भी आज़ादी की लड़ाई में, इस आंदोलन में भाग लेंगे, और वो भी बड़े मात्रा में, जहाँ जहाँ वो रहते थे हर जगह से वो भी भाग लेने लगे थे। किसमें, आज़ादी के आंदोलन में। मुंडा लोग भी जागरूक हो गए थे। बिरसा ने आदिवासियों को एकजुट कर अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। उनके एक इशारे पर आदिवासी लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो गए। आदिवासियों ने जब सोचा कि हम लोग भी आज़ादी के इस आंदोलन में साथ देंगे अपने देशवासियों का, तो पूरे जो मुंडा जो परिवार था वहाँ के सारे लोग एकत्रित हुए और उनका नेतृत्व, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे सेना का सेनापति होता है ना, इसी तरह से सारे लोगों का नेतृत्व करना, यानी आगे जो रहते हैं, तो बिरसा मुंडा आगे आए और उन्होंने अपने सारे पूरे मुंडा जो है कस्बा, पूरे गांव, उन पे उनका तो राज था, यानी कि वो जो कहते थे सारे लोग विश्वास करते थे, यकीन करते थे। तो
उनके नेतृत्व में उनकी बातों पर भरोसा करते हुए सारे लोग जान तक देने के लिए हाजिर हो गए, यानी तैयार हो गए कि हमें हमारे देश की आज़ादी के लिए यदि हमें जान भी देनी पड़े तो भी हम तैयार हैं, इसके लिए हमें थोड़ी सी भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चों, अगले वीडियो में फिर हम आगे आपको बताते हैं कि फिर उन्होंने यानी कि धरती के बाबा ने फिर आगे क्या सब किया है, ये अभी आपको हम बता रहे हैं।